बरेली ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने वर्चुअल किया मुंबई की फ्लाइट का उद्घाटन। बरेली एयरपोर्ट पहुंचकर नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बरेली वासियों को दी बधाई। बरेली से मुंबई के लिए फ्लाइट शुरू होने पर दी बधाई। 26 अगस्त से दिल्ली के लिए बरेली से 7 दिन चलेगी फ्लाइट, ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने की घोषणा। मायानगरी मुंबई के लिए आज बरेली से फ्लाइट शुरू हो गई है। मुंबई से पहली फ्लाइट पर आए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिनकी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, उनका विजन उड़े देश का हर नागरिक, सब उड़े सब जुड़े, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करे, इसको आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब लगातार काम कर रहे हैं। हर मंडल मुख्यालय को प्रदेश की राजधानी से जोड़ना, देश के और बड़े शहरों से जोड़ने का जो कार्य चल रहा है, उसी की देन है कि आज यहाँ से जो पहले 4 फ्लाइट चल रही थी, 2 फ्लाइट और चलने की दिल्ली की शुरू हो गई है और आज मुंबई की शुरू हो रही है और दो दिन के बाद बेंगलोर की भी शुरू होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे बहुत सारी फ्लाइटें यहाँ से जुड़ेंगी। बरेली पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला मुख्यालय के साथ साथ मंडल मुख्यालय है। आसपास के बहुत सारे जिलों को इससे बहुत फायदा मिलेगा। हमारी जो प्राथमिकता है, सस्ती सुलभ और सुरक्षित हवाई यात्रा लोगों को कराना, तो एक बहुत सारे रोजगार के अवसर भी डेवलप होंगे। इसके लिए भी मैं आपका माननीय मंत्री जी का, खास तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, ज्योतिराव सिंधिया जी का, संतोष गंगवार जी का, सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपसे ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनने के पहले उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट पूरी तरह से संचालित थे, एक लखनऊ और एक बनारस ही संचालित थे। और गोरखपुर भी कभी चलती थी, कभी कैंसिल होती थी, प्रयागराज से भी कभी चलती थी, कभी कैंसिल होती। और आज हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि जहां केवल 2 एयरपोर्ट चल रहे थे, आज 8 एयरपोर्ट संचालित हैं। और जो 24 जगहों पर ही केवल उड़ान हुआ करती थी, आज लगभग 75 जगह उड़ान हो रही है उत्तर प्रदेश से। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अभी अगले महीने कानपुर से भी दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद और मुंबई की 4 फ्लाइटें शुरू हो रही है। इसके लिए मैं इंडिगो के सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। पुनः आप सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। देखिए, हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सब उस कालखंड के साक्षी हैं कि जहां इस देश की बागडोर एक परम तो इस प्रदेश की बागडोर एक कर्म योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है, जिनका उद्देश्य, जिनका विजन है उड़े देश का आम नागरिक, सब उड़े सब जुड़े, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर मंडल मुख्यालय को प्रदेश की राजधानी से जोड़ना, देश के और बड़े शहरों से जोड़ना हमारा लक्ष्य है। और अभी आपने सबने देखा, वर्चुअली जुड़े हमारे माननीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी, जनरल वीके सिंह जी ने, और यहाँ के लोकप्रिय सांसद संतोष गंगवार जी ने, यहाँ पर उपस्थित विधायकगण, सभी लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और हमें बताते हुए ये खुशी हो रही है कि जहाँ केवल 2 एयरपोर्ट थे जब हमारी सरकार आई, 2 एयरपोर्ट ही संचालित थे, आज 8 एयरपोर्ट हैं। केवल 24 जगह से उत्तर प्रदेश की उड़ान थी, आज 72 जगह है। और अभी
कानपुर से अगले महीने 4 और एयर उड़ाने होनी है, 14 तारीख से बेंगलोर से भी यहाँ जुड़ जाएगा। तो लगातार एविएशन सेक्टर उत्तर प्रदेश में देश में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश पूरे जब उड़ान की सेकंड जो बिडिंग हुई थी, 25 एयरपोर्ट पूरे भारत में चयनित हुए तो 9 उत्तर प्रदेश के। तो मैं यही कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुँचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। और हम सब का परम सौभाग्य है कि इस देश की बागडोर 26 तारीख से बरेली की 7 दिन अभी माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है, और अभी मुंबई आज हम लोगों ने शुरू ही किया है, कल से परसों से बेंगलोर भी शुरू हो जाएगी। मैं यही कहना चाहता हूं कि हर क्षेत्र में हर तरह से उत्तर प्रदेश नंबर 1, उत्तर प्रदेश जो उत्तम प्रदेश की ओर बढ़ रहा है, भय गुंडागर्दी माफियागिरी सबको समाप्त किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में एक अच्छा वातावरण बन रहा है। आज ये फ्लाइट शुरू होने से बेंगलोर और मुंबई से जुड़ने से, दिल्ली से जुड़ने से, यहाँ पर रोजगार के भी बहुत सारे अवसर उपलब्ध होंगे, टूरिज्म के ऐसे बहुत सारे अवसर उपलब्ध होंगे। लखनऊ के लिए भी अभी हमने बात किया है कि जैसे अभी मुंबई और बरेली है, तो बरेली लखनऊ, लखनऊ मुंबई, बरेली लखनऊ, बरेली मुंबई हो जाए, इस तरह से बातचीत चली है। और इंडिगो के लोगों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, काफ़ी इस सेक्टर को उन्होंने जोड़ा है और भी सेक्टर को जोड़ा है। लखनऊ भी भी बढ़ेगा। हमारे यहाँ का जो हर नागरिक है वो शहर के बड़े सेक्टरों से भी जुड़ेगा, जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे आज नौकरी करने के लिए जाते थे वो आईटी सेक्टर में, बेंगलोर आईटी का एक हब है, उनको वहाँ के लिए फ्लाइट से जाना बहुत आसान हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बरेली में अब विकास की रफ्तार कई गुनी बढ़ गई है। उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि बरेली के नागरिकों को भी उन्होंने फ्लाइट देकर हर बड़े शहर के लिए एक सम्मान देने का काम किया। चौपला ओवर सर, मेरा नाम शालिनी शुक्ला है, मैं कुर्मांचल नगर में रहती हूँ और मुंबई से फर्स्ट टाइम फ्लाइट कान्हा जी के साथ करी है। बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ से आकर और बहुत अच्छा रहा हमारा सफ़र। थैंक यू सो मच। 2 घंटे नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं रही, बस शटल में मुझे ऐसा लगता है कि सीनियर सिटीजन के लिए सीट्स होनी ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से यहाँ तक आने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ जब एयरपोर्ट पे उतरे हैं ना, वहाँ से यहाँ तक आने में सीनियर सिटीजन को टाइम लगा, मतलब थक जाते हैं। बस से आए हैं, शटल से आए हैं। मोहम्मद मुनीर सकलेनी। कहाँ के निवासी हैं? बम्बई के हैं। कहाँ से आए हैं? हम बम्बई से आए। किस चीज़ से आए? फ्लाइट से आए, इंडिगो की फ़्लाइट है, जो तकरीबन हम चाह रहे थे हमारे पीरो मुर्शिद के यहाँ है, हज़रत शाह शराफत अली मियाँ मोहल्ला शाहबाद। ये मुंबई से आप बरेली आते रहते हैं? हाँ, हम तो साल में 10 बार आते हैं। तो पहले जब आते थे तो कितनी दिक्कतों का सामना करना? बहुत दिक्कतों को, बहुत पहले तो ये सब फ्रंटियर वगैरह गाड़ी जो थी वो तकरीबन 30 घंटा लगता था, फिर राजधानी हुई जो तकरीबन 24 घंटा पहुंचता था, फिर फ्लाइट वगैरह सब आते थे, दिल्ली पहुंचते थे, फिर दिल्ली से यहाँ 5-6 घंटे में, फिर वो 5-6 घंटे लगते थे। और अब जो है बहुत सालों बाद ये इंतज़ार ख़त्म हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत शाह शराफत अली मियाँ, जो सकलेन मियाँ हुजूर है, हमारे पीरो मुर्शिद है, हम लोग वहाँ बार बार लगातार आएंगे हैं। फ्लाइट से कितना समय लगा? सिर्फ 2 घंटा लगा, 9:30 की फ्लाइट थी, 11:30 बजे हम पहुँचे। अभी तो 3500 रुपया ही है, 3500 है जी इंडिगो फ्लाइट से। पहले जब आप पिछले 10 साल से लगातार यहाँ बरेली आ रहे हैं। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख,
आपके हौसलों को, दिखाते हैं राह, उज्जवल भविष्य की, हम रखते हैं अरमानों की नींव, नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।